प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक क्षेत्र में विकास और प्रगति आए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट लाइन न्यूज में। सिर्फ राजस्थान में ही चुनाव नहीं है, सिर्फ लोकसभा के ही चुनाव नहीं है, या फिर देखा जाए कि किसी और राज्य में भी चुनाव है, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भी उतना ही जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए जीतना जितना यहाँ पर राजस्थान जरूरी है। अब मध्य प्रदेश में हमने देखा है 2018 में सरकार बनी थी, 15 महीने सरकार चली, लेकिन सिंधिया की बगावत के बाद सरकार गिर गई। अब जयराम रमेश ने उन्हें गद्दार कह दिया, जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अटकलें लग रही थी सिंधिया की कांग्रेस पार्टी में जाने की, उन अटकलों पर रोक लगती हुई नजर आई। और ये अटकलें इसलिए लगी थी क्योंकि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि यात्रा का स्वागत है। उसके बाद तमाम तरीके की कयास लगने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फुल स्टॉप लग चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो ग्वालियर पहुंचे, जो यहाँ पर उनका एक राज्य, उनका एक इलाका कहा जाता है, जहाँ पर लोग लगातार उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर वो पहुंचे और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया राहुल गांधी को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ना तो कोई मेरा दुश्मन है और ना ही कोई मेरा दोस्त है, मुझे अपनी पार्टी को जिताना है और उसके लिए मैं हर एक हद पार करता हुआ दिखाई दूंगा आप लोगों को। और सिंधिया ने कहा कि पैसे का लालच नहीं है यहाँ पर, सिर्फ लालच है तो जनता के हक का लालच है कि जनता के लिए काम करूं, जमीनी स्तर पर उतर के काम करूं। और सिंधिया परिवार ने शुरुआत से यही किया है, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी के कितने खिलाफ है यहाँ पर सिंधिया, किसानों को लेकर क्या बड़े ऐलान होने वाले हैं, किसकी बड़ी मांग पूरी होगी, ये सारे सवालों का जवाब इस खास कार्यक्रम में आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कहीं ना कहीं सिंधिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी शिवराज और सिंधिया के बीच में थोड़ी खटपट देखने को मिलती है क्योंकि सिंधिया को भी सीएम बनना है। लेकिन यहाँ पर क्या माधव राव सिंधिया जो स्वर्गीय नेता है, क्या उनका ये सपना पूरा होगा, नहीं होगा? और शिवराज सिंह चौहान का चुनावी तौर पर यह आखिरी समय है, बीजेपी उन्हें सीएम चेहरे के लिए आगे करेगी नहीं करेगी, तो इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर सिंधिया को आगे कर दिया गया तो कांग्रेस पार्टी का फिर मध्य प्रदेश में से नामो निशान मिटता नजर आएगा, उसके बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती नजर नहीं आएगी। तो चलिए इस खास प्रोग्राम में आगे की जानकारी आपको देते हैं कि आखिरकार सिंधिया के ऐसे कौन से बड़े कदम है जिससे कहीं ना कहीं गांधी परिवार के स्पेशली और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पसीने छूटते नजर आ सकते हैं। देखा होगा, हमारा एक ही मकसद है और वो है जनसेवा, वो है विकास और वो है प्रगति। सकारात्मक रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक क्षेत्र में विकास और प्रगति आए। अव्वल पंक्ति में हमारा प्रदेश, हमारा जिला और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अभी अभी मैं वाइब्रेंट विलेज के दौरे से वापस आया हूँ। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके भराली गांव में, जो चीन की सीमा पर रहता है, उस गांव का भ्रमण करके वहां रात्रि विश्राम करके मैं स्वयं आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 70 के 70 मंत्रियों को, चलिए बताते हैं फिर कि कभी गांधी परिवार के नजदीकी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में है और केंद्रीय नागरिक यहाँ पर उड्डयन मंत्री भी है। लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि मेरी ना किसी से दोस्ती थी ना ही किसी से दुश्मनी है, ये बात उन्होंने ग्वालियर पहुंचने पर कही। उन्होंने ओलावृष्टि क्षेत्रों में शीर्घ दौरा करने की भी बात कही। देखा जाए तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को ग्वालियर पहुंचे थे, जहां ग्वालियर एयरपोर्ट पर सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि मेरी ना किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी, सिंधिया राज परिवार का इतिहास इसका गवाह है। सिंधिया परिवार का एक ही मकसद रहा कि वो है जनसेवा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखा जाए यहाँ पर तो नेतृत्व में कांग्रेस के पहले पायदान पर जिले को आगे बढ़ाना ही उनका पहला लक्ष्य है। साथ ही साथ हाल ही में उत्तराखंड के दौरे पर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम रात्रि विश्राम के लिए उत्तराखंड के एक सीमावर्ती गांव में रुके। उन्होंने कहा कि सभी सीमावर्ती गांवों तक विकास योजनाओं को पहुंचाना केंद्र सरकार का पहला लक्ष्य है। सिंधिया ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री द्वारा सीमावर्ती राज्यों में रात बिताई जा रही हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि केवल बड़े शहरों तक नहीं बल्कि सीमावर्ती गाँव तक भी सरकारी योजनाएं पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब सरकारी योजनाएं सीमावर्ती गांव तक पहुंचेगी तभी देश का विकास हो पाएगा।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उदय हो रहा है और भारत का विकास हो रहा है। ग्वालियर सहित पूरे अंचल भर में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सिंधिया ने अन्नदाताओं की पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि अशोकनगर, ग्वालियर और आसपास के जिलों में ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में चर्चा कर जानकारी ली गई और अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का मुआयना कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता और सिंधिया राज परिवार हमेशा अन्नदाता के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। संकट की इस घड़ी में अन्नदाताओं को पूर्ण मुआवजा दिलाया जाएगा। मैं खुद जाकर ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा जिससे किसी भी अन्नदाता को परेशानी ना हो। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर उड्डयन मंत्रालय द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के सभी बड़े शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए जहां निरंतर कार्य हो रहा है, तो वही इंदौर जैसे महानगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर से दुबई तक हवाई सेवा शुरू की जा सकती है और अब इंदौर में शारजाह के लिए शीघ्र ही हवाई सेवा शुरू किए जाने के प्रयास है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रदेश के शहरों की पहुंच हो सकेगी। ग्वालियर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश हवाई सेवाओं में देश के अन्य बड़े राज्यों के समकक्ष यहां पर जल्दी भी खड़ा हो जाएगा। यानी कि इनके जितने भी फैसले ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी पर भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने एक खास वीडियो तो सुना ही, जो इसमें खुद बुजुबानी यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कहते नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के चुनावों के दौरान क्या छवि होने वाली है सिंधिया की? वही आगे बताते चले तो यहाँ पर शनिवार को जिस तरीके से पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो तमाम तरीके की बातें करते नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनके बार बार इस बयान को वायरल किया जा रहा है कि ना तो दोस्ती है और ना ही दुश्मनी, ना तो दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी है। और लगातार ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। खराब फसलों को देखकर भी उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं। इंदौर में शारजाह की फ्लाइट को लेकर भी तमाम तरीके के फैसले लेते नजर आए हैं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब सबको अच्छे से याद है कि 2018 का वो समय, जो हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब बीजेपी पार्टी में जब वो आए तो उन्हें उड्डयन मंत्री का पद दिया गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उन्हें सीएम बनना है। अब यहाँ पर चुनाव है फिर से, तो इसलिए सवाल लगातार उठ रहे कि अब क्या सीएम बनना है ज्योतिरादित्य सिंधिया को या नहीं बनना है। जनता की मांग है कि यहाँ पर सीएम बनाया जाए और जनता की मांग शिवराज सिंह चौहान भी है, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी मांग बीजेपी सुनती नजर आएगी, ये बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।